हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के ऊपर एक सेशन। हिस्ट्री ऑब्वियसली बात है आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं लगती है, मुझे पता है, तो मेरे लिए आज का सेशन हिस्ट्री का अच्छे से और ज़्यादा पढ़ाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूँगी आपको सारा समझ में आए। बस एक ही मोटिव होता है जो पढ़ाया जा रहा है, आपको सारा अच्छे से याद करना है। बस सदर्न इंडिया पढ़ने वाले हैं। सदर्न इंडिया में आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ आप चोलाज पढ़ेंगे, सिर्फ पांड्यास पढ़ेंगे, पल्लवास पढ़ेंगे। बहुत सारे हैं बच्चों डायनेस्टीज जिनके बारे में पढ़ना होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी चोला रही, तो आज हम चोला के बारे में ही पढ़ेंगे। द चोल डायनेस्टी, जिसे हिंदी में कहा जाता है चोल साम्राज्य, तो द चोला डायनेस्टी। आज जो 20 पॉइंट्स जो मैंने हेडिंग दिया है, ये तो सिर्फ कहने को 20 है, विश्वास करिए। क्वेश्चनेयर था, मैं अभी कल परसों पढ़ रही थी, तो ये जो वीडियो मैं आपको आज कराने वाली हूँ, 65 क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चनेयर के अंदर, घुमा फिरा के यही सारी चीज़ें जो चोला डायनेस्टी के बारे में अभी पढ़ाने वाली हूँ उस क्वेश्चनेयर में थी। अगर आप ध्यान देंगे तो आप उतने ढेर सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। बस ध्यान दीजिएगा, मुझे पता है साउथ इंडिया सदर्न इंडिया के बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं टॉपिक, लेकिन अच्छा है, क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हम सदर्न इंडिया को रेफर करते हैं, तो सदर्न इंडिया को रेफर कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जो मेन डायनेस्टी है बच्चों, वो चोला है। द चोला डायनेस्टी, दैट मीन्स द चोलास, चोल साम्राज्य। ऐसा कहा जाता है कि चोला डायनेस्टी को हम एक अर्ली चोलास बोलते हैं और एक लेटर चोला बोलते हैं। अर्ली चोला डायनेस्टी, तो एक चोल डायनेस्टी जो पहले वाली है, एक चोल डायनेस्टी जो बाद वाली है। आपको लगेगा ये कैसी बात मैम बता रही हैं। बच्चों मैं ये बात आपको बताना चाह रही हूँ कि जो चोल डायनेस्टी पहले वाली है वो उतनी फेमस नहीं थी, इसलिए हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, हम जो पढ़ने वाले हैं चोला डायनेस्टी के बारे में, हम लेटर चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब वो चोल डायनेस्टी लेटर, सुनिए, जो पहले वाली चोला डायनेस्टी है उसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लेटर चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चोल जो थे, चोल डायनेस्टी चोल जो थे, वो किसके अंडर, किसके फ्यूडेटरी थे, किसके अधीन आते थे। क्या बोला मैंने? मैंने कहा चोल जो थे बच्चों वो फ्यूडेटरी थे, किसी के अधीन आते थे। तो चोल जो है वो पल्लवों के अधीन आते थे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक पॉइंट जो मैंने बनाया है, ये देखिए मैंने एक पॉइंट बनाया है, इसमें ही तीन क्वेश्चंस छुपे हैं। पहले जो चोल थे, पहले सुन लीजिए, मैंने कहा मैं अर्ली चोला डायनेस्टी की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें से क्वेश्चन आना बहुत कम पॉसिबिलिटी है। जो लेटर चोला डायनेस्टी है वो बहुत ग्रैंड है, तो आपको जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ वो लेटर चोला डायनेस्टी है जिसमें वो पल्लवों के अधीन थे, पल्लवों के फ्यूडेटरी थे। कौन? चोल। अब हुआ क्या, पल्लव और पांड्याज के अंदर लड़ाई हो रही है, पल्लव और पांड्या के बीच में लड़ाई हो रही है। पल्लवों और पांड्या के बीच में होने वाली लड़ाई का फायदा उठाया विजयालय ने, और विजयालय ने सीधी बात है क्या किया, तंजौर के ऊपर कब्जा कर लिया। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करेंगे। सुनिए, मैंने कहा बच्चों चोल जो थे, ये जो चोला डायनेस्टी आप पढ़ रहे हैं, तो ये चोला डायनेस्टी कोई फ्री डायनेस्टी नहीं है, लेटर डायनेस्टी, इसलिए इसको बोला था कि पहले ये किसी के अंडर आते थे, किसी के अधीन आते थे, पल्लवों के अधीन चोल थे। अब हुआ क्या, पल्लवों की लड़ाई हुई पांड्या के साथ, पल्लवों और पांड्या की लड़ाई में, पल्लवों और पांड्या की लड़ाई में विजयालय ने उन दोनों के बीच की लड़ाई का फायदा उठाया और विजयालय ने तंजौर पर कब्जा कर लिया। तंजौर को आप तंजावुर करके भी पढ़ेंगे, आप तंजौर को तंजावुर करके भी पढ़ेंगे, तो चिंता मत करिए, तंजौर बोलूँगी या तंजावुर बोलूँगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है। पल्लवों के अंडर पहले आते थे चोल, पल्लवों से अपने आप को फ्री करा लिया विजयालय ने, लड़के पल्लवों और पांड्या को हरा दिया और वहाँ तंजौर पर कब्जा कर लिया। अब ये जो तंजौर, जिसे मैं तंजावुर कह रही हूँ, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये देखिए मैंने मैप के अंदर इसे तंजावुर करके ही लिखा है। कैपिटल्स कौन सी थी चोला की? बड़ी कैपिटल्स की हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कैपिटल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो चोलों की कैपिटल कौन सी थी, तो आप बोलेंगे तंजौर या फिर तंजावुर। देखिए एक चोल राजा ने एक कैपिटल गंगईकोंड चोलपुरम भी बनाई थी,
आई एम श्योर आपके लिए नाम मुश्किल है, याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, दो तीन बार सुनेंगे आराम से याद हो जाएगा। मैं वैसे ही एक बात को तीन चार बार बोलती हूँ, मुझे पता है आपको पक्का याद हो जाएगा, फेथ इन यू। मैंने कहा चोल जो थे पहले पल्लवों के अधीन थे, सदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, ये रेन ये रूल उनका दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये भी तो मैंने कहा चोल पल्लवों के अंडर आते थे, पल्लवों और पांड्या में लड़ाई हुई, पल्लवों और पांड्या के बीच में होने वाली लड़ाई का फ़ायदा विजयालय ने उठाया, विजयालय ने तंजौर पर कब्जा कर लिया, अब इसने अपना इसको कैपिटल बना लिया है, कैपिटल ऑफ चोलास तंजौर। भगवान शिव के भक्त थे विजयालय, भगवान शिव के भक्त थे विजयालय। अब अगर आप माने या ना माने, क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में आता है कि किसके डिवोटी थे विजयालय, तो लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, द मोस्ट फेमस एंड ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स वर राजा राज एंड हिज सन राजेंद्र। एक्चुअल में राजा राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट। अब ये फेमस तो हैं, अब ऐसा नहीं पूछा जाता कि कौन से फेमस रूलर्स हैं, इन पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो सिर्फ नाम आपको बता दिया गया है कि राजा राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट फेमस थे। यहाँ पर हम ये याद करेंगे बच्चों कि इन्होंने क्या बनवाया है, आर्किटेक्चर इनका क्या था, अब आर्किटेक्चरल किस फॉर्म में था, ये सारी बातें याद करने वाली हैं। राजा राज फर्स्ट ने कंस्ट्रक्ट कराया वृद्धेश्वर मंदिर, जिसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, वृद्धेश्वर मंदिर को यहाँ कहीं कहीं बुक्स के अंदर बृहदेश्वर मंदिर भी लिखा होता है, कोई बात नहीं, आप बस ये जान लीजिए राजा राज फर्स्ट ने वृद्धेश्वर या फिर बृहदेश्वर या फिर राजा राजेश्वर मंदिर बनवाया था, तंजौर में बनवाया था और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा का मंदिर है ये बृहदेश्वर मंदिर। वृहदेश्वर मंदिर, राजा राजेश्वर मंदिर, लॉर्ड शिवा का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, जो तंजौर में राजा राज फर्स्ट ने बनवाया था। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर चोला डायनेस्टी में से कुछ पूछा जाए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। राजेंद्र फर्स्ट ने कैंपेन चलाया, मतलब उसने क्या क्या जीत लिया था राजेंद्र फर्स्ट। देखिए राजा राज फर्स्ट अभी बोला था, उसका बेटा कौन, राजेंद्र फर्स्ट, फेमस रूलर्स हैं। तो राजा राज फर्स्ट ने ये मंदिर बनवाया था, उनके टाइम की इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। राजेंद्र फर्स्ट की बात करेंगे तो उड़ीसा, बंगाल, बर्मा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये सब पे उन्होंने क्या किया, उन पे बहुत ज़्यादा मतलब अपना कैंपेन चला के जीत लिए थे ये एरियाज को। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों कि ये जो चोल है, जो चोला डायनेस्टी है, ऐसा कहा जाता है कि अपने पीक पर थी ड्यूरिंग हिज रूल, हुज रूल, वी आर स्टडिंग राजेंद्र फर्स्ट ईयर। तो राजेंद्र फर्स्ट के समय पर अपने पीक पर थी, एकदम जेनिथ पर पहुंच गई थी चोला डायनेस्टी, मतलब रूलर्स थे ही पावरफुल, और ये राजेंद्र फर्स्ट की बात हो रही है तो पावरफुल थे ही। दोबारा सुन लीजिए कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, मैं एक बार रिवीजन इसलिए कराती हूँ, जानबूझ के ही करा रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए प्लीज़, बोर मत होइएगा, क्योंकि मैंने बताया हिस्ट्री है, आप ध्यान से सुनेंगे तभी याद हो पाएगा। चोलों की राजधानी पूछेगा कोई तो हम बोलेंगे तंजौर या तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। विजयालय फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप भूल ही नहीं सकते, फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी विजयालय को बोला जाता है। विजयालय पहले पल्लवों के नीचे अंडर आते थे, पल्लवों और पांड्या की लड़ाई में विजयालय जीत गए थे, तंजौर फ़ायदा उठा लिया उन्होंने उनकी दोनों की लड़ाई का और तंजौर जीत करके कब्जा कर लिया, और भगवान शिव के भक्त थे। उसके बाद आपको बताया था राजा राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट फेमस रूलर थे। राजा राज फर्स्ट ने वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया था, जिसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं तंजौर में। ये बिल्कुल एग्जाम वाला क्वेश्चन है कि कहाँ बनवाया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था या राजा राजेश्वर मंदिर, एक ही बात है याद रखिएगा। राजेंद्र फर्स्ट ने कैंपेन चलाया, उड़ीसा, बंगाल, बर्मा, अंडमान और निकोबार आइलैंड को जीता, और चोला डायनेस्टी अपने पीक पर थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र फर्स्ट टुक द टाइटल ऑफ गंगईकोंड चोलपुरम। अब आपको लगेगा ये गंगईकोंड चोलपुरम नीचे आ रहा है, सिटी बनाई, तो उन्होंने जो टाइटल लिया ना गंगईकोंड चोला की उपाधि ली थी किसने, राजेंद्र फर्स्ट ने। अच्छा ये याद रखिए, तीन लीडर्स के बारे में हमने पढ़ा है, देखिए और भी रूलर्स थे, किंग्स थे, आदित्य फर्स्ट का नाम भी है, लेकिन मैंने कहा जो फेमस रूलर्स हैं और जिनके टाइम के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिसमें से पूछे जाते हैं, हम वही पढ़ेंगे सिर्फ। तो विजयालय फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी,
उसके बाद आपको बताया बच्चों राजा राज फर्स्ट जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, राजेंद्र फर्स्ट के समय तो बिल्कुल पीक पर था चोला डायनेस्टी। राजेंद्र फर्स्ट ने एक टाइटल लिया गंगईकोंड चोला, गंगईकोंड चोल की उपाधि लेते हैं, गंगईकोंड चोल की उपाधि लेते हैं राजेंद्र फर्स्ट, और फिर एक सिटी बनवा देते हैं गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोलपुरम याद आया आपको, तंजौर तंजावुर के साथ ही गंगईकोंड चोलपुरम एक कैपिटल थी, गंगईकोंड चोलपुरम। तो वो कैपिटल कहाँ से आई, वो कैपिटल बेसिकली आई राजेंद्र फर्स्ट के नाम में से। नाम में से कैसे, क्योंकि उन्होंने टाइटल लिया था गंगईकोंड चोल का, इसी टाइटल से इसी नाम से गंगईकोंड चोलपुरम बनाया गया सिटी। लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी भी पूछा जाता रहा है एग्जाम में, राजेंद्र फर्स्ट सबसे फेमस तो राजेंद्र थर्ड लास्ट। राजेंद्र फर्स्ट सबसे फेमस गंगईकोंड चोल की उपाधि लेने वाले जिन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम बनवाया, और राजेंद्र थर्ड बच्चों याद रखिए लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम राजेंद्र थर्ड था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चोला एम्पायर में क्वेश्चन कहाँ से आता है तो ये भी आपको जानना पड़ेगा। चोला एम्पायर जो था डिवाइड किया गया बच्चों मंडलम्स में, वालानाडु में, नाडू में और कुर्रम में। अब नाम थोड़े अलग हैं, आप लोगों के लिए यूजुअल नहीं है, बच्चे जो सदर्न इंडिया वाले होते हैं उनको आराम से ये नाम याद हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो बच्चे दूसरे जगह के हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई मुश्किल कोई चीज़ होती ही नहीं जो आप नहीं सीख पाएँ। मंडलम, वालानाडु, नाडू और कुर्रम। मंडलम, वालानाडु, नाडू, कुर्रम में डिविजन होता है चोला एम्पायर का। मंडलम को इन अदर वर्ड्स प्रोविंस, प्रांत कहा जाता है, मंडलम को प्रांत कहा जाता है। वालानाडु का मतलब कमिश्नरी होता है, नाडू का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता था, और कुर्रम क्या होता था, ग्रुप ऑफ विलेजेस। जिस क्वेश्चनेयर को मैं रेफर कर रही थी ना, जिस क्वेश्चनेयर को मैं रेफर कर रही थी वो क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन था कि कुर्रम क्या होता है, तो कुर्रम क्या होता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है। इसका मतलब इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है, मंडलम मतलब प्रांत प्रोविंस, वालानाडु मतलब कमिश्नरी, नाडू मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, कुर्रम मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है। बच्चों याद करना पड़ेगा, 5 बार उसको बोलिए खुद से याद होगा तभी। मंडलम मतलब प्रोविंस, वालानाडु मतलब कमिश्नरी, नाडू मीन्स डिस्ट्रिक्ट, कुर्रम मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस। द फीचर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड द बेसिक फीचर ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अगर इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम बोलते हैं तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में भी हम लोग बोलते हैं अभी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे लॉर्ड रिपन से जोड़ा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो पहले तो ये सोचिए ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है क्या। मेरे को समझ में आता है कि शायद आपके लिए हो सकता है कोई नई चीज़ हो, आपने ना सुना हो। तो पंचायती राज व्यवस्था हमारी इंडिया में लगती है, तो वो पंचायती राज व्यवस्था में क्या करते हैं बेसिकली बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था के अंदर पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब पावर केंद्रित नहीं होती है, हर किसी में पावर बांट दी जाती है। पावर बांट दी जाती है तो इसका मतलब क्या है कि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, डिस्ट्रिक्ट्स के पास भी है, गाँवों के पास भी पावर है, तो इसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द फीचर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हैपेंस। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड द बेसिक फीचर ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि चोलों के एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट बताइए, इंपॉर्टेंट फीचर बताइए, तो ऐसे ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे एंड यू नीड टू यू नो चूज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैंने कहा था सत्ता को बांट देना, सत्ता को विकेंद्रित कर देना, सत्ता को बांट देना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हर किसी के पास है, हर किसी के पास पावर है डिसीजन लेने की। देख लीजिए ना, आपको खुद ही दिख रहा होगा, मंडलम में बांटा है, वालानाडु में बांटा है, नाडू में बांटा है, कुर्रम में बांटा है, तो अपने अपने लेवल पे सबको पावर दी जाएगी ताकि वो डिसीजन ले पाएँ। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चोलों में बहुत बेसिक फीचर, बहुत बढ़िया फीचर है रादर ऐसा कहना चाहिए। चोलों की कमाई कहाँ से होती थी, लैंड रेवेन्यू से और ट्रेड टैक्स से, द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम। चोलों की इनकम का मेन सोर्स था बच्चों लैंड रेवेन्यू या फिर ट्रेड टैक्स, व्यापार कर या फिर भूमि कर। तो लैंड रेवेन्यू है, भूमि के ऊपर, लैंड के ऊपर रेवेन्यू जो ले रहे हैं, मतलब कर लग रहा है, टैक्स लग रहा है,
या फिर मैंने बताया ट्रेड टैक्स है, लैंड रेवेन्यू, लैंड से जो कमाई हो रही है वो, चाहे वो कर हो, रेंट हो, या जो भी आप समझिए, मतलब मैं आपको बेसिक तरीके से समझा रही हूँ कि लैंड के ऊपर जो कमाई हो रही है, लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स जो था, ये इनकम का मेन सोर्स था चोलों के समय का। नेक्स्ट बच्चों, फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द चोलास। अब ये तो जानना ही पड़ेगा ना, आर्किटेक्चर जब जानेंगे तो ये नाम याद रखिए, चोलेश्वरम, चोलेश्वरम और नागेश्वर स्वामी मंदिर, चोलेश्वरम नागा नागेश स्वामी मंदिर, आई एम सॉरी। देखिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो इसके अंदर तो चोल आ रहा है, इसको तो आप खुद ही रिलेट कर पाएंगे, और नागेश स्वामी, नागेश्वर स्वामी, नागेश स्वामी, नागेश्वर स्वामी मंदिर, ये नागेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ पर है? कुंभकोणम। तो याद ये रखिए, ये एग्जाम्पल्स माने जाते हैं कि किनके समय के हैं। अगर ये कोई पूछ लेता है नागेश्वर स्वामी मंदिर किनके समय का है, किस डायनेस्टी की बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं चोला डायनेस्टी की बात हो रही है। चोलेश्वरम और नागेश्वर स्वामी, नागेश्वर स्वामी मंदिर कुंभकोणम, कुंभकोणम में है। इमेज मेकिंग भी फेमस थी, तो इमेज मेकिंग में हम तो नटराज की ही बात करेंगे, नटराज भगवान शिव, भगवान शिव डांसिंग फिगर ऑफ भगवान शिव नटराज। तो ये बहुत फेमस चीज़ है, समझिए बहुत ही फेमस चोलों के समय में, क्योंकि लॉर्ड शिवा के भक्त थे, लॉर्ड शिवा के भक्त थे, तो नटराज की जो मूर्ति है वो बनाना आप समझिए बहुत फेमस था। कंबन, अब प्लीज़ ये थोड़ा और ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा अगर आप चोलों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कंबन ने लिखी थी रामवतरम, राम रामवतरम लिखने वाले कंबन, कंबन रामवतरम लिखते हैं। अब अगर मुझे रामवतरम समझना है तो कोई बात नहीं, हम याद करेंगे इसे कंबन रामायण, कंबन रामायण या फिर कंबा रामायण के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा कंबन रामायण के नाम से भी जाना जाता है। किसे? रामवतरम को, रामवतरम को कंबन ने लिखा था, और कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट फिगर माने जाते हैं तमिल पोएट्री के। कौन? कंबन। चोलों के समय में कंबन एक तमिल पोएट थे। क्या मैंने आपको इनडायरेक्टली एक और बात बताई कि चोलों की लैंग्वेज अगर बात करें, स्क्रिप्चर्स की लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज तमिल थी। मैंने तमिल पोएट्री पे इसीलिए एम्फेसाइज किया ना, चोलों की लैंग्वेज अगर मैं रेफ़र कर रही हूँ तो मैं तमिल की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं तमिल पोएट रेफ़र कर रही हूँ उनके समय के। कंबन की हम बात कर रहे हैं, कंबन ने रामवतरम लिखी थी बच्चों, जिसे कंबन रामायण के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। कंबन की रामायण को कंबन रामायण के नाम से जाना जाता है। तो कंबन, कुटन, पुगलेंडी, ये तमिल पोइट्री के तीन जेम्स माने जाते हैं, थ्री इम्पोर्टेंट, थ्री वेरी इम्पोर्टेंट पोइट्स ऑफ तमिल। तो तमिल के तीन इम्पोर्टेंट पोइट्स का नाम कंबन, कुटन और पुगलेंडी। कंबन, कुटन, पुगलेंडी नाम मेरे को पता है आपके लिए थोड़े अलग है, बट जैसे आप इंग्लिश नाम भी बहुत सारे होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं और आप उन्हें याद करते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए इन्हें भी याद करना पड़ेगा। कंबन, कुटन, पुगलेंडी, ये तमिल पोएट्री के तीन जेम्स माने जाते हैं। कंबन की कंबन रामायण या रामवतरम बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और लॉर्ड शिवा का नटराज का फिगर बनाना, मतलब चोला डायनेस्टी में बहुत फेमस था ये भी। तो श्राइन जो बनाए जाते थे, श्राइन मतलब हम टेंपल को रेफ़र कर रहे हैं, मंदिर को रेफ़र कर रहे हैं बच्चों, तो जो श्राइन्स बनाए जाते थे वो विमान आकार या फिर टावर्स की तरह के होते थे। एक ही बात है, देखिए टॉल पिरामिड लिखा है मैंने, टॉल पिरामिड लिखी है, आप कुछ भी लिखिए उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा याद सिर्फ इतना रखिएगा कि श्राइन बनाए जाते थे। क्वेश्चन ये भी आता है, सुन लीजिए ध्यान से, कि जो बनाया जाता है मंदिर बनाए जाते थे, तो जैसे अगर आप पढ़ते हैं मुगलों के बारे में, तो मुगल आर्किटेक्चर किस तरह का है ये तो पूछा ही जाता है, बट पूरे गुंबद वाले, कंप्लीट डोम वाले जो मस्जिद बनाए जाते थे वो भी पूछा जाता था कि मस्जिद किस तरह की बनाई जाती थी। तो वैसे ही बच्चों, जब हम चोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मंदिर जो बनाए जाते थे वो विमान या फिर टॉल पिरामिड लाइक टावर्स बनाए जाते थे। ये तरीका है जिस तरीके से बनाए जाते थे चोलों के मंदिर, विमान आकार के या फिर टावर्स के आकार के। याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा मुगलों के अंदर पूरे गुंबद वाली मस्जिद
पढ़ाया जाता है, वैसे ही चोलों के मंदिरों का आकार पूछा जा रहा है, शेप पूछी जा रही है आपसे। तो विमान आकार, टावर्स आकार के बनाए जाते थे मंदिर चोलों के समय में। विजयालय ने बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है, दुर्गा देवी दुर्गा माता निशुम्भ सूदिनी का मंदिर बनवाया। विजयालय ने एक मंदिर बनवाया, ये बहुत फेमस है, ये तो बहुत ही फेमस है, ये सबको ही पता होता है, निशुम्भ सूदिनी। जिन्होंने हिस्ट्री थोड़ा सा भी पढ़ा होता है दे ऑलरेडी न्यू निशुम्भ सूदिनी का मंदिर विजयालय। विजयालय कौन थे? जो चोलों के फाउंडर थे, चोलों के फाउंडर थे, चोला डायनेस्टी शुरू करने वाले थे, उन्होंने निशुम्भ सूदिनी का मंदिर बनवाया था। एक चीज़ और है, पुदुकोटई, देखिए कुछ हो सकता है मेरे प्रोनंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट प्लीज़ डोंट बॉदर दैट, क्योंकि मैंने कहा मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस इस बात पे कर रही हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको याद हो जाए, ना कि मेरा प्रोनंसिएशन पे, क्योंकि नाम थोड़े से अलग हैं। पुदुकोटई निशुम्भ सूदिनी दुर्गा माता का मंदिर जो विजयालय ने बनवाया था। इसके अलावा बच्चों पुदुकोटई, जो कि मैंने कहा जहाँ पर क्या है, जगह है पुदुकोटई जहाँ पर सोलेश्वर टेम्पल, जो किसने बनवाया था? विजयालय ने। सुनिए लाइन लिखी हुई, हो सकता है आपको सेंटेंस समझ में ना आए, विजयालय ने सोलेश्वर मंदिर बनवाया, सोलेश्वर मंदिर बनवाया पुदुकोटई में, विजयालय ने सोलेश्वर मंदिर बनवाया पुदुकोटई में, और निशुम्भ सूदिनी का मंदिर बनवाया, निशुम्भ सूदिनी माँ दुर्गा। तो एक बारी मैं चाहती थी दोबारा बताऊं, मैं नहीं जानती हूं आप लोग सारा सुनेंगे या नहीं, बट मैं रिवीजन ज़रूर कराना चाहूंगी, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाएंगे। प्लीज़ मुझे अगर हो सकता है तो 5 मिनट दे दीजिए, थोड़ा सा और ले लेते हैं। कैपिटल्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तंजौर और गंगई कोंड चोलपुरम, तंजौर और गंगई कोंड चोलपुरम। तंजौर कैप्चर करने वाले विजयालय, फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी विजयालय, पहले फ्यूडेटरी थे पल्लवास के, पल्लवास से अपने आप को आज़ाद करा लिया, पल्लवों को हरा दिया। राजा राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट बहुत फेमस रूलर्स हैं। राजा राज फर्स्ट ने वृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, जिसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं तंजौर के अंदर। बेटा नेक्स्ट अगर याद रखना चाहें तो राजेंद्र फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने कैंपेन चलाया, उड़ीसा बंगाल बर्मा ये सब जीत लिया। चोला डायनेस्टी अपने पीक पर थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र फर्स्ट ने टाइटल लिया गंगईकोंड चोल का, ये क्वेश्चन पक्का बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे तो आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। गंगईकोंड चोल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टाइटल लेने वाले राजा राजेंद्र फर्स्ट थे और उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम सिटी बनवाई। राजेंद्र थर्ड लास्ट रूलर है मंडलम में, ये याद नहीं होगा मुझे पता है, 5 बार जब तक बोलेंगे नहीं। मंडलम में, वालानाडु में, नाडू में और कुर्रम में डिवाइड होता था, इसी से आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर कोई पूछ ले मंडलम क्या था ड्यूरिंग द चोला पीरियड तो आप बोलेंगे प्रोविंस, वालानाडु क्या था ड्यूरिंग द चोला पीरियड तो कमिश्नरी, नाडू क्या था डिस्ट्रिक्ट था, कुर्रम क्या था ग्रुप ऑफ विलेजेस था। तो इसी पॉइंट में से, एक पॉइंट में से 4 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेन फीचर ऑफ द चोला डायनेस्टी, ट्रेड टैक्स और लैंड रेवेन्यू से इनकम होती थी और चोलेश्वर और नागेश्वर स्वामी मंदिर बनवाए चोलों ने। उसके बाद लॉर्ड शिवा का नटराज की मूर्ति, नटराज का इमेज, नटराज का फिगर बनाना उस समय बहुत फेमस था। कम्बन तमिल पोएट हैं जो बहुत फेमस हैं, जिन्हें कम्बन रामायण जिन्होंने लिखी थी, और कम्बन कुटन पुगलेंडी ये तमिल पोएट्री के जेम्स माने जाते हैं। और विमान आकार के द शेप ऑफ द श्राइन्स, द शेप ऑफ द श्राइन्स वॉज विमान आकार टावर शेप, ये रहता था श्राइन्स का शेप। उसके बाद बच्चों विजयालय ने निशुम्भ सूदिनी और सोलेश्वर मंदिर बनवाया था। अभी रैपअप कर रहे हैं वीडियो, थैंक यू सो मच बच्चों।